फ्रेंड्स ये गाड़ी स्पार्क शेवरलेट स्पार्क, इसमें एक बात ये प्रॉब्लम आती है कुछ टाइम होने के बाद, 4-5 साल होने के बाद, ये गाड़ी 1,00,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी का एवरेज कम हो जाता है। तो आज हम देखते हैं कि एवरेज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर ये तमाम काम अगर कर लिए जाए तो एवरेज बढ़ सकता है इस गाड़ी का। मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देखो इसका कितना ज़्यादा कचरा जमा हुआ है अंदर से, ये इसको हम क्लीन करेंगे। और इसका ये सेंसर, मैप सेंसर, ये देखो ये भी गंद पड़ी हुई इसके अंदर। और एक ये कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, अगर ये तमाम सेंसर साफ़ करके लगाए जाएं तो ये रीडिंग अपनी अच्छी भेजेंगे इसी को। और इसके अलावा यह क्रैंक सेंसर, ये भी हम साफ करके लगाएंगे। अब फ्रेंड्स इधर आ जाओ, ये देखो ये ऑक्सीजन सेंसर। फ्रेंड्स ये दिखने में तो बहुत छोटी सी चीज़ है या जो भी है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। ये ECM को सिग्नल भेजेगा कि हमारे अंदर इसके अंदर मतलब ऑक्सीजन की कितनी मात्रा आ रही है, कितनी क्या आ रही है। अच्छा ये हुआ हमारे स्पार्क प्लग, ये भी हमने इसको चेंज करने हैं। और ये थ्रॉटल बॉडी, ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गंद जमा हुआ इसके अंदर। ये इसका फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, अरे इंजेक्टर, ये देखो ये सब साफ हमने साफ करने हैं। और इंजेक्टर साफ करने के लिए हमने वुड्स कंपनी का इंजेक्टर क्लीनर ले लिया। तो फ्रेंड्स ये हमने ये स्पार्क प्लग नए डालने हैं, चारों स्पार्क प्लग हमने नए डालने हैं। अब फिट करते हैं फिर हम। चालू है फ्रेंड्स, ये हमने सारा इसमें फिट कर दिया, प्लग भी नए डाल दिए इसमें, इंजेक्टर क्लीन कर दिए और ये टोटल बॉडी भी साफ़ कर दी हमने इसकी। ये सारे सेंसर, ये सेंसर बताए थे मैंने आपको, ये सब बहुत गंदे निकले इसके सारे सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर भी मैंने इसका साफ करके लगाया बिल्कुल। तो अब ये सारा काम करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी। सर स्टार्ट करना सर गाड़ी को, अब देखते हैं फ्रेंड्स स्टार्ट करिए गाड़ी को। चलो सर मैं, सर ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी साउंड आ गई इंजन में। इसमें RPM पहले ओवर रेस हो रही थी, अब RPM की भी, ये थ्रॉटल बॉडी हमने साफ करी, अब RPM भी कुछ सेट आ गया एकदम जी, बहुत अच्छी साउंड आ गई। ये देखिए फ्रेंड्स इंजन स्टार्ट है लेकिन पता नहीं लग पा रहा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा पता वही, सलीम कार वर्कशॉप झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स।